इस वक्त पाकिस्तान के हालात हम सब के सामने हैं। जो पाकिस्तान की हालत बन गई, हम इसको एक मरीज़ के साथ तशबीह दे सकते हैं, जो बहुत ही मुत्तकी और पारसा है, नेक है, जाहिद है, और इस वक्त उसके जिस्म के हर उज्व के ऊपर कोई ना कोई बीमारी लग गई है। अभी कोई भी उससे ना उसे नमाज़ पढ़ते देखता है, ना उससे हुकूकुल्लाह अदा करते हुए देखता है, ना हुकूकुल इबाद अदा करते हुए देखता है, क्योंकि उसके अंदर तवान ही नहीं है, वो किसी काम को अंजाम देने की ताकत नहीं रखता। उसको सरतान है, उसको फलज हो गया है, उसका जिस्म हरकत नहीं करता, जहन उसका काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो कोई भी अमल अंजाम नहीं दे पाता। पाकिस्तान भी इसी तरह से, अगरचे पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से बहुत कवी है, पाकिस्तान सकुलजैशी लिहाज से एक अच्छा इलाका और मंतका है, पाकिस्तान के पास ज़खायर हैं, आबी गुजरगाहें हैं, पाकिस्तान के पास इसके अलावा ज़रई मसलन ज़मीनें हैं, पाकिस्तान के पास किशावर्जी है, नहरें हैं, दरिया है, सारा कुछ है पाकिस्तान के पास, और सबसे बड़ा कि पाकिस्तान आइडियल ज़मीन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बनी है। तो वो सबसे पहले जो तसव्वुर ज़हन में आता है, वो सारे यही समझते हैं कि चूँकि सियासतदान बुरे हैं और इस वजह से जो है वो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा और पाकिस्तान की ये हालत है, जबकि ऐसा नहीं है। फ़कत किसी भी रियासत या मुल्क के अंदर सियासतदान सारा कुछ नहीं होते, या हुकूमत नहीं होती, सरजमीन रियासत या मुल्क वो चंद अनासर से मिल के बनता है, जिसमें सरजमीन है जो कि हमारे पास आइडियल सरजमीन है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनी है, वजूद में आई है और तकसीम हुई है। उसके बाद जमीयत होती है, जमीयत यानी वो अफराद जो सरजमीन पर रह रहे हैं, और फिर उनके बाद उनसे बनने वाली हुकूमत या दौलत जो उन अफराद को और उसके निज़ाम को कंट्रोल करती है। अब पाकिस्तान के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, सरजमीन है, और इसके बाद जो बुनियादी तरीन उनसर है किसी सरजमीन के ऊपर, वो है अफराद या वो जमीयत जो वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रह रहे हैं, उनके अंदर भी उनकी फरहंग है, उनकी निज़ाम तालीम है, उनका इक्तसादी निज़ाम है, उनके अखलाकियात हैं, और चंद अनासर हैं जिनसे ये मिलके जमीयत बनती है, या जमीयत से वो चीज़ें वजूद में आती हैं। पाकिस्तान फ़कत ये नहीं है कि इक्तिसादी लिहाज से खुदा न करदा कि वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, डिफ़ॉल्ट कर गया, बल्कि अगर हम फरहंगी लिहाज से भी देखें तो पाकिस्तान उसमें भी सिफ़र है। अगर हम मानवियात में देखें तो पाकिस्तान सिफ़र है।